दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए करा गया हूँ एक जबरदस्त कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे न्यू लॉन्च रियलमी 7i वर्सेस रियलमी नार्जो 20। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा कंप्लीट वीडियो और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। हेलो दोस्तों, मैंने भी शिवम मैनेज द कंपैरिजन वीडियो ऑफ न्यू लॉन्च रियलमी 7i वर्सेस रियलमी नार्जो 20। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले Realme 7i की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और दोस्तों देखते हैं क्या कुछ नए फीचर्स और क्या कुछ बॉक्स कंटेंट हमें Realme 7i में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे Realme Narzo 20 के साथ। यहाँ पर दोस्तों एक बेसिक सा बॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि हमें Realme का हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के दोस्तों बैक की साइड हमें बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स मेंशन किए हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर 64 MP क्वाड कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 90Hz स्मूथ डिस्प्ले और यहाँ पर आपको क्वालकॉम 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं ओपन और देखते हैं हमें क्या कुछ बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें देखने को मिल जाता है एक मिनी बॉक्स। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा स्मार्टफोन, जैसे कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हमारा एक 18W का क्विक चार्जर, जहाँ पर आप देख सकते हैं 9V 2A का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारी टाइप सी डाटा केबल, जिसकी दोस्तों लेंथ एंड जो क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी बेटर लग रही है। दोस्तों हम डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन की बात करते हैं, हमें कैसी जो हमें लुक का स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो लुक हमें यहाँ पर बिल्कुल बैक से ग्लास फिनिश लुक यहाँ पर Realme 7i की देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर दोस्तों बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप का आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं, आपको एल शेप में यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया हुआ 64 MP। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट जो फिजिकल फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको Realme 7i में 90Hz की दोस्तों यहाँ पर आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर दोस्तों जो मैं कैमरा है वो यहाँ पर डिस्प्ले के कॉर्नर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों राइट साइड में दोस्तों पावर बटन एंड वॉल्यूम ब्रोकर्स, लेफ्ट साइड में दोस्तों में एक सिम ट्रे और तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हेडफोन जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड दोस्तों में यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं लुक को कंपेयर करता हूँ यहाँ पर Realme Narzo 20 के साथ, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की लुक। यहाँ पर दोस्तों आपको Realme Narzo 20 में बैक से बिल्कुल प्लास्टिक लुक देखने को मिलेगी, मगर दोस्तों आपको यहाँ पर Realme 7i में बैक से आपको यहाँ पर ग्लास फिनिश लुक देखने को मिलेगी। जबकि दोस्तों जो कैमरा सेटअप का जो डिज़ाइन है वो भी हमें यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है Realme 7i में। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख ही सकते हैं जो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप का जो डिज़ाइन हमें यहाँ पर काफ़ी बेटर मिल जाता है Realme 7i में। दोस्तों अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली विनर में लुक एंड डिजाइन की फ्रंट डिस्प्ले में। यहाँ पर दोस्तों आपको जो कॉर्नर में जो कैमरा है यहाँ पर काफ़ी बेटर में लुक देता है स्मार्टफोन की Realme 7i में। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैमरा है डिस्प्ले के मिडल में देखने को मिल जाता है Realme Narzo 20 में। दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों स्मार्टफोन जो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले को कंपेयर करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स की, यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो मिड डिस्प्ले यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन जो स्क्रीन साइज है लगभग सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो स्क्रीन साइज है दोनों स्मार्टफोन्स में 6.5 इंच का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में जो IPS पैनल देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करता हूँ, तो Realme 7i में आपको 98 का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको 68 का स्क्रीन रिफ्रेश रेट Realme Narzo 20 में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन Realme 7i में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90% Realme 7i में, जबकि दोस्तों आपको 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme Narzo 20 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों नो डाउट जो हमें यहाँ पर लुक एंड जो डिस्प्ले क्वालिटी है हमें यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है Realme 7i की। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा सेटअप को, दोस्तों आपको कैमरा कैसा मिलने वाला है आप इस प्राइस बजट में देखेंगे, तो आपको कैमरा यहाँ पर दोस्तों Realme 7i का काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आपको 64 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP ब्लैक एंड व्हाइट लेंस एंड 2 MP मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम ब्रांड्स हमें यहाँ पर 64 MP का कैमरा प्रोवाइड करते हैं अपने स्मार्टफोन में। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ Narzo 20 के बैक कैमरा सेटअप से, यहाँ पर दोस्तों आपको 48 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों 16 MP फ्रंट कैमरा Sony IMX 471 के सेंसर के साथ Realme 7i में, जबकि दोस्तों आपको यहाँ पर 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा Realme Narzo 20 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे यहाँ पर काफ़ी चीप लगा, 8 MP का कैमरा आपको 10,000 के बजट में ही 8 MP का कैमरा ही देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों अदर ब्रांड्स हमें 16 MP फ्रंट कैमरा प्रोवाइड करवा दिया अपने स्मार्टफोन्स में। नो डाउट दोस्तों जो हमें कैमरा फ्रंट एंड बैक Realme 7i में काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत सारे कैमरा फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अल्ट्रा मैक्रो, टाइम लैप्स, स्लो मोशन आप दोनों स्मार्टफोन के साथ शूट कर सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो वीडियो शूटिंग है दोस्तों में यहाँ पर ऑप्शन है दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी बेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स का यूजर एक्सपीरियंस, दोस्तों आपको यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर नोटिफिकेशन पैनल को देखते हैं और आप सेटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है रियलमी UI 1.0 के सपोर्ट के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर यूजर इंटरफेस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ परफॉर्मेंस दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन्स में कैसे मिलने वाली है, दोस्तों रियलमी नार्जो 20 में हमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि दोस्तों आपको रियलमी 7i में Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही CPU हमारा ऑक्टाकोर CPU है और यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है दोनों ही CPU में हमें 2.0 GHz की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नो डाउट जो मैं यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है रियलमी नार्जो 20 में काफ़ी बेटर मिलने वाला है, बिकॉज दोस्तों आप जो आपको एंटी टू बेंचमार्क स्कोर है लगभग 2 लाख के करीब देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों आपको रियलमी 7i में जो एंटी टू बेंचमार्क स्कोर है 1,64,000 के करीब देखने को मिलेगा। दोस्तों नो डाउट जो Helio G85 है काफ़ी एफिशियंट, आपको काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा अगर हम कंपेयर करते हैं रियलमी 7i के CPU से। दोस्तों अगर आपको बेटर गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए तो नो डाउट आप रियलमी नार्जो 20 परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी से, दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों स्मार्टफोन्स में 18 वाट का क्विक चार्जर और यहाँ पर 6000 mAh बैटरी हमें रियलमी नार्जो 20 में, जबकि दोस्तों में रियलमी यहाँ पर 7i में यहाँ पर जो हमें बैटरी है 5000 mAh की देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हम 6000 mAh बैटरी का जो स्मार्टफोन है काफ़ी हमें यहाँ पर हैवी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 208 ग्राम का वेट, जबकि दोस्तों आपको रियलमी 7i में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी लाइट वेट अगर आप कंपेयर करते हैं। अगर आप हैंडलिंग देखेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की तो हमें यहाँ पर जो थिकनेस है वो भी कम देखने को मिल जाती है रियलमी 7i की। अगर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी हैंडी साइज रियलमी 7i का देखने को मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं रियलमी नार्जो 20 से। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रैम रोम एंड प्राइसिंग की, दोस्तों यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज और LPDDR4X की रैम यहाँ पर रियलमी 7i में आपको देखने मिल जाती है। और दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 7i का 464 वेरिएंट हमें 1199 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 464 रियलमी नार्जो 20 में 1049 का देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों में लगभग 1500 का डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल फीचर्स का कंपेरिजन। दोस्तों अगर मैं बताता हूँ आपको कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर परचेज करना चाहिए, दोस्तों अगर आपको एक बेटर लुक यहाँ पर एक लाइट वेट हैंडसेट और एक बेटर कैमरा बेटर डिस्प्ले क्वालिटी वाला फ़ोन परचेज करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर रियलमी 7i परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एक बेटर बैटरी परफॉर्मेंस और एक बेटर परफॉर्मेंस एक बेटर प्रोसेसर वाला फ़ोन परचेज करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप रियलमी नार्जो 20 परचेज कर सकते हैं। नो डाउट दोस्तों जो हमें Qualcomm का 662 है यहाँ पर हमें काफ़ी बेटर ये जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस देने वाला है। दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन। होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।